और इनको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया था यहाँ से। अब ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ उसको रोक लेना अपने आप में इलीगल था, लेकिन इसके लिए मनीष कश्यप ने या उनके परिजनों ने पहले कोई सही बात मनीष कश्यप की 26 तारीख को आने या और नहीं आने का, 26 तारीख के पहले भी बेतिया कोर्ट ने फिजिकल अपियर होने के लिए उतने मौके और दिए थे। लेकिन इनफैक्ट मनीष कश्यप से के आने से न्यायालय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। मनीष कश्यप ने कोई संगीन गुनाह नहीं किया है, हम भी जानते हैं, आप भी जान रहे हैं, लोग भी जान रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष को भी एक रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला, ये हम लोग समझते कि रिलीफ नहीं है कि मिला। मान लीजिए अगर पूरी केस को तमिलनाडु भेज दिया गया होता तो फिर क्या होता, तो मुश्किल में पड़ जाता। ये तो गनीमत है कि उन्होंने बिहार के केसेस को बिहार में ही रखा और तमिलनाडु के केसेस तमिलनाडु। जो पुलिस है उसके और हमारे बीच में, पुलिस आपको कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से मार सकती है, उठा सकती है, फेंक सकती है, आपको जो पुलिस करे वो सुनना है, देखना है, आपके पास कोई अधिकार नहीं। आप देख रहे हैं एसआर भारत। मनीष कश्यप अभी मदुरै जेल में बंद है, लेकिन कल 26 तारीख है और बहुत सारे मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मनीष कश्यप में भी आ सकते हैं। मेरे साथ अभी जाने माने वकील एसके मिश्रा सर हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या मनीष कश्यप पर जो एनएस से लगा हुआ है क्या हटने की संभावना है। पहले तो सर स्वागत है एसआर भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। सर एक लगातार अभी दर्शकों को उत्सुकता है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आदेश दिया कि आप जाइए निचली अदालत में, तब से मनीष कश्यप के चाहने वालों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाखुशी हुई है कि आखिर मनीष कश्यप पर जो एनएस लगा है कब तक हटेगा। सर देखिए, न्यायालय और एनएससी के बीच कोई संबंध नहीं है। एनएसए एक स्टेचुटरी प्रोविजन है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इम्पोज करता है और ये तमिलनाडु में लगाया गया है। और तमिलनाडु में अभी लगभग 6 FIR जो मनीष कश्यप के ऊपर है, जिसपे अभी वहाँ अनुसंधान चल रहा है, और अनुसंधान को प्रभावित करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। न्यायालय अनुसंधान को जल्दी करवा सकता है, एक टाइम फ्रेम बांध सकता है, लेकिन कैसे किया जाए और क्या करना है ये पुलिस मैनुअल में है, पुलिस जानती है उसमें न्यायालय कुछ नहीं कर पाएगा। और इनको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया था यहाँ से। अब ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ उसको रोक लेना अपने आप में इलीगल था, लेकिन इसके लिए मनीष कश्यप ने या उनके परिजनों ने पहले कोई स्टेप नहीं लिया। ये पहली बार है जब हमको इसमें एंगेज किया गया, हमको नवा दिया गया है, तो अभी 26 के बाद ही हम लोग कुछ इसमें कर पाएंगे। जिस तरह सर कल 26 तारीख को बोला, ऐसा मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कल हो सकता है कि उनकी पेशी बेतिया कोर्ट में पेशी हो, जिसको लेकर बिहार प्रशासनिक तरफ से विशेष फोर्स का मांग किया गया, यानी जितना रहना चाहिए फोर्स का उतना अभी उनके पास अभी नहीं है। तो सर क्या लगता है कि मनीष कश्यप इतने अपराधी है कि इतनी बड़ी डिमांड किया जा रहा है फोर्स का? सर कि अपराधी छोटा हो या बड़ा हो, जो अपराध एक बार गठित कर दिया गया और अगर उसको एक्यूज डिक्लेयर कर दिया गया तो जांच तो होगी ही होगी उसमें। रही बात मनीष कश्यप की 26 तारीख को आने या और नहीं आने का, 26 तारीख के पहले भी बेतिया कोर्ट ने फिजिकल अपियर होने के लिए उतने मौके और दिए थे। लेकिन इनफैक्ट मनीष कश्यप से के आने से न्यायालय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। तो बट नेचुरली कि उनको एक अपना प्रोटेक्शन चाहिए कि भाई वहाँ बेतिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तकरीबन 600 पुलिस बल की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर मनीष कश्यप को लाने के लिए या कोर्ट में हाजिर करने के लिए, और इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत बड़े आतंकवादी हैं कि नहीं। अगर मामूली आतंकवादी भी नहीं होते या कोई अगर अपराधी नहीं भी होते तो जेल में क्यों रखा जाता उनको? सरकार उन्हें, हम और आप समझते हैं कि अपराध उन्होंने नहीं किया है, वो जो किया वो सही किया, लेकिन सरकार के दृष्टिकोण से वो अपराधी हैं। और इतने बड़े अपराधी, उनका कद बहुत बड़ा कर दिया गया है। बड़ी बात देखिए ये है कि मनीष कश्यप के फॉलोअर्स करीब करीब 3 करोड़ से ऊपर है। एक एक सेल्फी लेने के लिए लोग मनीष कश्यप के साथ परेशान हो जाया करते थे। एक सेलिब्रिटी तो बन ही चुका है वो। सर मुझे नहीं लगता कि बिहार में इतने बड़ी कोई नेता के लिए इतने 600 फोर्स उतारा जाता होगा, जो 600 केवल मनीष कश्यप के लिए आने के लिए, जो जब आने में चर्चा बना तब इतना मांग किया जा रहा है 600 फोर्स। बिहार में ही नहीं, भारत में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिनके सिक्योरिटी के लिए 600 फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वहाँ उनके आने से जो उनके फॉलोअर्स हैं ये वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा सरकार का मानना है। मनीष कश्यप ने कोई संगीन गुनाह नहीं किया है, हम भी जानते हैं, आप भी जान रहे हैं, लोग भी जान रहा है, लेकिन कुछ द्वेषता या कुछ पॉलिटिकल इस तरह से गतिविधियां हुई हैं जिसके तहत मनीष को अंडर कस्टडी रखा गया है। सरकार दोषी उन्हें मानती है और जो समुचित प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी वो जरूरी है, चूंकि इनके फॉलोअर्स को देखते हुए ये बताया जा रहा है।
क्योंकि जहां वो अभी मदुरई जेल में है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां तकरीबन 50 लोग रोज बाहर बैठे रहते हैं मिलने वाले, और मिलने वाले बिहार से नहीं है, ये मिलने वाले गोवा से हैं, राजस्थान से हैं, केरला से हैं, महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से हैं, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं मिलने के लिए। हालांकि वो मिल नहीं पाते हैं, चूँकि एक बार में 3 लोग ही मिल सकते हैं और समय फिक्र है 3 ही नहीं मिल सकते हैं उसमें आप, लेकिन फिर भी वो एक उनके पास ये एक श्रद्धा उनकी है कि हम मनीष को देख लें, मनीष से मिल लें, चूँकि एक ब्रांड नेम तो मनीष बन ही चुके हैं। तो बट नेचुरल है कि उनको अगर लाया जा रहा है कोर्ट में, तो उनसे मिलने वाले, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो न्यायालय को ही प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए जो सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी बिहार सरकार को, वो मांग की गई है, हो सकता है कल वो पूरा कर दिया जाए, लेकिन मुझे उम्मीद कम लग रहा है कल उनको लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सुनवाई हुई उसके बाद में सर केस क्लबिंग का मामला कहीं ना कहीं वहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आया सर, जिस तरह से टाइम ज़्यादा बीत भी गया और सुप्रीम कोर्ट में उनको निराशाजनक लगी, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? निराशाजनक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इनका बेल रिजेक्ट नहीं किया या उनके प्रेयर को डिसमिस नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जुरिडिक्शन बना दिया कि जो तमिलनाडु का मामला है वहाँ सुना जाएगा, बिहार का मामला बिहार सुना जाएगा। मनीष का प्रेयर था कि इन दोनों को एक जगह कहीं एक जगह कर दिया जाए, तो एक जगह में अगर मान लीजिए बिहार का केस भी तमिलनाडु ट्रांसफर कर दिया गया तो मुश्किल में आ जाते ये, तो कहीं ना कहीं मनीष को भी एक रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला। ये हम लोग समझते कि रिलीफ नहीं है कि मिला, मान लीजिए अगर पूरी केस को तमिलनाडु भेज दिया गया होता तो फिर क्या होता, तो मुश्किल में पड़ जाता ये। ये तो गनीमत है कि उन्होंने बिहार के केसेस को बिहार में ही रखा और तमिलनाडु के केसेस को तमिलनाडु में ही रखा। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अन्याय किया हो या इनके खिलाफ कोई जजमेंट दे दिया हो, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जुडिक्शन आपका है इसलिए हम वहाँ ट्रांसफर करते हैं। सर मनीष कश्यप को कब तक NSA से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए अभी भी बेचैनी बनी हुई है कि आखिर वह जेल से कब छुटेंगे सर? देखिए मनीष कश्यप को ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कब हट जाएगा, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द ही ये सब मामला खत्म हो जाएगा। अभी उनको जो यहाँ इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट की जो केसेस की गई हैं 3, 4, 5, 6 उसमें प्लस एक निशांत वर्मा करे गुजरात के, उन्होंने एक केस कर दिया है महात्मा गांधी के मूर्ति के साथ, कुछ ऐसा प्रकरण रहा है उनका। 3 कोई ऐसा दम किसी भी केस में कोई दम नहीं है, और इकोनॉमिकल ऑफेंस का इसमें इंटरफेयर करना ये कहीं ना कहीं सरकार की अपनी मजबूरी है, क्योंकि इकोनॉमिकल ऑफेंस का भी मामला बनता नहीं है कहीं से भी है, लेकिन सरकार ने इसको स्पेशल कोर्ट के तहत बनाया गया है, क्योंकि सरकार के पास कोई विकल्प था नहीं कि मनीष कश्यप पे जो केस लगाया जाए वो किसके थ्रू किया जाए। क्योंकि इकोनॉमिकल ऑफेंस तभी होता है जब हम कोई बहुत बड़ा राशि का गबन किए हों, तो इससे बड़ी राशि तो रोज़ गबन होता है। आपने अभी कल भी देखा जो MK स्टालिन साहब यहाँ आए हुए थे, कहाँ रुक पाए वो? मनीष कश्यप के फॉलोअर्स को जब उनको मैसेज मिला तो वो निकल गए वहाँ से, पहले निकल गए वहाँ से, वो कहीं सारी कोई सवाल के गहरे में हम पड़ जाए वहाँ पर। और इस तरह की बातें तो कमोबेश रोज होती रहती हैं। अब अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव साहब गुजरात के लोगों को वहाँ चोर बता के आ गए हैं, केस तो हुआ नहीं उन पर। और अभी आप देख रहे हैं एक फिल्म अभी आई हुई है, बड़ा जोर से चल रही है, क्या हुआ? आदि पुरुष। अब जरा सोचिए आदि पुरुष से पूरे भारत वर्ष में हंगामा खड़ा हो गया है, चूंकि उन्होंने हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। कितना केस हुआ मनोज मुंडू सर पर? कोई केस नहीं हुआ। तो हमारे भारत में कहीं ना कहीं कहने को तो संविधान है, लेकिन ये संविधान नहीं है, कभी कभी विसंविधान भी हो जाता है ये, और एक विशेष लोगों के लिए विशेष न्याय हो जाता है। मैं न्यायालय पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आम जो पुलिस है उसके और हमारे बीच में, पुलिस आपको कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से मार सकती है, उठा सकती है, फेंक सकती है, आपको जो पुलिस करे वो सुनना है, देखना है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि 1860 कानून है, अंग्रेजों का दिया हुआ कानून आज तक चला आ रहा है। पुलिस के पास दमन करने की नीति है, उसके पास राइट ऑफ ऑफेंस है। अगर पुलिस आपको मार भी रही है तो आपको चुपचाप सहना है और सुनना है, देखना है, आप उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस भगवान है, वर्दी पहनते ही एक कदम नशाओं में आ जाता है। बहुत सारे ऐसा सर लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप को 2024 के पहले नहीं निकला जाएगा, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, सरकार जो चाहे वही थोड़े कर सकती है, ऐसा नहीं है। ये कानून जनता के लिए है, जितनी भी कानून बनाया गया है वो आपके लिए है और आपके जो राजनीतिक या जो न्यायिक हक है उसकी रक्षा करने के लिए है वो। तो सरकार चाहे उनका दमन कर दे, संभव कभी नहीं है, न्यायालय चुपचाप बैठे थोड़ी रहेगा। हम लोग न्यायालय में आए हैं, अभी तक तो न्यायालय में मनीष कश्यप आए नहीं अपने लिए, अभी तक एक भी केस मनीष कश्यप ने ये फाइल नहीं किया कि सरकार ने ये काम गलत किया है। ये पहली बार हम प्रश्यू कर रहे हैं, हम रीट में आ रहे हैं, हाईकोर्ट में रीट फाइल कर रहे हैं हम। सरकार ने जो किया है सरकार को पार्टी बनाया जाएगा, उसमें रिलीफ मिलेगा हम लोग को। मनीष बाहर आएंगे नहीं, कैसे आएंगे वो? मनीष को फांसी नहीं होगी, आप बेफिक्र रहें। मेरे साथ अभी जी देश के जाने माने वकील SK मिश्रा सर थे, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि मनीष कश्यप को राहत
जरूर मिलेगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जय हिंद।